दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरे एक हाथ में है गैस की पासबुक और दूसरे हाथ में है मेरा मोबाइल फ़ोन। कुल मिलाकर दोस्तों हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि अगर आपके घर पर सिलेंडर यूज़ होता है और आपका गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको उसको भरवाने के लिए यानी कि रिफ़िल करवाने के लिए बुकिंग करवानी होती है तो कैसे आप बहुत आसानी से एक फ़ोन कॉल करके बुक करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता यार सच में कि कैसे बुकिंग करी जाती है। और साथ साथ में दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि 1 नवंबर सन 2020 से अब आपको OTP देना होगा। जब भी गैस एजेंसी से आपके घर पर सिलेंडर को डिलीवर करा जाएगा तो उसके बाद आपसे OTP पूछा जाएगा यानी कि वन टाइम पासवर्ड, और आपको उस OTP को उनको देना है तभी आपको एक रिफिलिंग सिलेंडर मिल पाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली सीखेंगे कि कैसे आपको इसके लिए आगे बुकिंग करनी है। दोस्तों गैस सिलेंडर बुक करने के लिए आपको सबसे पहले तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले दोस्तों कंज्यूमर नंबर यानी कि जो आपका उपभोक्ता क्रमांक है, और ये आपकी जो गैस की पासबुक रहेगी उसका जो पहला पेज रहेगा आपको उसके ऊपर लिखा रहेगा 6 अंक का कंज्यूमर नंबर। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरी चीज़ चाहिए होती है लैंडलाइन नंबर विदाउट STD कोड, यानी कि जो आपकी गैस एजेंसी है उसका आपको यहाँ पर जो है ये STD कोड है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको बिना STD कोड का जो नंबर है वो आपको वहाँ पर आपके पासबुक के ऊपर मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा उसके बाद तीसरी चीज़ आपको चाहिए बुकिंग मोबाइल नंबर। तो दोस्तों बुकिंग मोबाइल नंबर को आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर HP मेरा गैस कनेक्शन है और मैंने लिखा HP गैस सिलेंडर बुकिंग नंबर, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे नंबर आ चुके हैं। अगर आपका स्टेट उत्तराखंड या फिर अदर स्टेट है UP दिल्ली तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मेरा उत्तराखंड है, मैंने यहाँ पर सर्च किया, और चाहे तो आप यहाँ पर जो है अपना इस तरीके से आप बाकी अदर स्टेट भी यहाँ पर सर्च कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर आ चुका है। अगर आपका इंडियन है तो, लेकिन इंडियन में मैं आपको बता दूँ ऑल इंडिया का एक ही नंबर रहेगा फिलहाल। अभी हाल ही में यहाँ पर जो है इंडियन गैस ने एक नंबर लॉन्च किया है, ये वाला नंबर है 7718955555। तो इसी नंबर पे ऑल इंडिया से कहीं भी कॉल करेंगे कहीं से भी तो आपका गैस कनेक्शन बुक हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ है दोस्तों यहाँ पर भारत गैस, तो आपको यहाँ पर ऐसे सर्च करना है भारत गैस सिलेंडर बुकिंग नंबर और आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली स्टेट का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर गुजरात डालता हूँ तो यहाँ पर दिखेगा नंबर आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर नंबर दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से नंबर निकालना है, जैसे मैंने यहाँ गुड़गांव का निकाला, तो चलिए मैं इस पर कॉल करूँगा और कैसे आपको बुक करना है चलिए हम अब वो सीख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मेरा नंबर ये है जिससे मुझे बुकिंग करनी है, तो मैं इस पर कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर कॉल करता हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो hindustanpetroleum.com पर ऑनलाइन सत्यनिष्ठा की शपथ लें और केंद्रीय सतर्कता आयोग से ई प्रमाण पत्र प्राप्त करें। डियर कस्टमर, जॉइन द फाइट अगेंस्ट करप्शन, टेक इंटेग्रिटी प्लेज ऑनलाइन एट hindustanpetroleum.com एंड रिसीव एन ई सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हिंदी के लिए रेड दबाएं, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। कृपया अपने गैस एजेंसी का लैंडलाइन नंबर बिना STD कोड के एंटर करें। जैसे मैंने आपको बताया था लैंडलाइन नंबर आपके गैस की बुक पर लिखा रहेगा। अब आपकी एजेंसी का नाम यहाँ पर ये बोलेगा, आपका गैस एजेंसी है राज गैस सर्विस। कंफर्म करने के लिए एक दबाएं होगा आपको, के लिए 2 दबाएं बाहर। कृपया अपना कंज्यूमर नंबर एंटर करें। अब आपको अपना कंज्यूमर नंबर यानी कि उपभोक्ता क्रमांक डालना होगा। अब यहाँ पर हमने फिल कर लिया है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। अगर ये सही है तो 1 दबाएं, अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो 2 दबाएं। उसके बाद कंज्यूमर नंबर डालने के बाद आपको 1 प्रेस करना है। रिफिल बुक करने के लिए 1 दबाएं, 1 दबाना होगा। पंजीकरण के लिए 2 दबाएं। आपका बुकिंग कोड है 5692249। HP Anytime यूज करने के लिए आपका धन्यवाद। अब दोस्तों आपका यहाँ पर जो है कनेक्शन बुक हो चुका है, और साथ साथ में आपको एक SMS भी आ जाएगा
कि आपको वहां पर आपको बुकिंग कोड मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे आपको गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हमारा एक योगा चैनल है, अगर आप फिट रहना चाहते हैं और आप हेल्थी रहना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।